हेलो फ्रेंड्स, जिसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं वो हैं भाग्यश्री, अर्चना पूरन सिंह की मेड। इनको अभी कोरोना हुआ था जिसमें अर्चना पूरन सिंह ने इनकी हेल्प की थी और उसी के लिए यहाँ वीडियो में उनको धन्यवाद करती हुई नजर आ रही हैं। नहीं तो गारंटी नहीं थी भाग्यश्री। ऐसे मत बोल यार, बहुत मुश्किल हो गई थी वहाँ पे भी, मतलब बेड भी कुछ नहीं मिल रहा था और डॉक्टर बोले थे कि तुझे ऑक्सीजन की जरूरत है करके। तो मतलब दो चार तो हॉस्पिटल हम लोग गए तो सब फुल थे वहाँ पे, ऑक्सीजन नहीं था नहीं तो बेड नहीं था, इतने सारे प्रॉब्लम। फिर जाके फिर मेरे दीमा मैम में एक बार सर को कॉल कर दू करके, इसलिए मैंने एक बार सर को कॉल किया। सर ने बोला तू कोई टेंशन कोई भी हॉस्पिटल मिलेगा पैसा भेजता हूँ। फिर भी नहीं मिले, फिर सर ने वहाँ पे बैठे बैठे सब मतलब वहाँ पे शॉक हो गया। मुंबई में बैठे बैठे तेरे सर ने अहमदनगर में तेरे को हॉस्पिटल ढूंढ के तुझे एडमिट करवाया और तेरे को ठीक किया, ये कितनी बड़ी बात। अरे मैं डर गई, मैं अंदर आई कमरे के और तू दरवाजे के पीछे थी। ओ माय गॉड, बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी माँ भी बोलती है वो उसकी फैमिली ये नहीं, वो फैमिली उसमें जाएगी ना वो ठीक हो जाएगी। आई थी मम्मा इधर तो मैं बोले आप लोग उठे नहीं होंगे तो अच्छा चली गई, छोड़ने आई थी मम्मा इधर। तो बहुत अच्छी लग रही है यार भाग्यश्री, कितनी अच्छी लग रही है। मुझे लगा था कि तू इतना बीमार थी तो मुझे लगा कि कहीं तेरे को, मतलब तू तो बोल रही थी मैं बहुत पतली हो गई हूँ। नहीं खिला पिला के हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल में भी क्योंकि वो डॉक्टर ने एडमिट हुए पर बोला कि आपको खाना जरूरी है, बस मैंने वही ध्यान में लिखा कि बाकी तुझे खाना जरूरी है। जो खाने शुरू हो गए मैं तो जितना मुझे ठीक हो गया। क्या क्या खाया तूने हॉस्पिटल में, इतना खाया? फिर वो लोग बोलते थे आप खाना नहीं खाओगे तो आप बचोगे नहीं, ऐसा बोलते थे। हाँ उधर खाना जरूरी है और एक तो फ्री रहना, मतलब टेंशन नहीं लेने का, टेंशन लोगे खाना नहीं खाओगे तो चले जाओगे। मुझे नहीं जाना है, खाना भी खाओगे और हाथ खेल के भी रहोगे। तुझे आपको हॉस्पिटल में भी सब इतना, वो दूसरे वार्ड के लोग बोलते थे कि आपको वो वार्ड में शिफ्ट करो वहाँ भी बहुत अच्छा लगता है करके, हंसी मजाक हम लोग कर। वहाँ पे गए जब से मैं सीरियस नहीं थी, डॉक्टर भी बोलते किस एंगल से आप सीरियस लगती हूँ, 14 का स्कोर था मेरा मालूम है आपको, 14 तो बहुत ज्यादा है ना, ज्यादा है। फिर भी मैंने मतलब इतना ये नहीं किया, हंस के गई थी अच्छे से। भाग्यश्री जब जो डॉक्टर ने रिपोर्ट हमको भेजी थी, सर को भेजी थी, वो इतनी सीरियस थी कि हम तो यहाँ पर ऑलमोस्ट रोने लगे थे कि भाग्यश्री नहीं बचेगी सच्ची में। आप लोग का प्यार आशीर्वाद इतना सबका था तो बच गई भाग्यश्री। आप लोग की मेहरबानी, सच्ची में मेहरबानी आपकी, आप लोग की वजह से मैं बच गई, इसलिए मेरे को बहुत बड़ा थैंक यू, लव यू। नहीं सर ने, सर ने जो फोन घुमाए ना मुझे तो कुछ पता नहीं। अभी मेरी ये दोबारा जो जिंदगी मिली ना सर का हो गया। अब तू सर को परेशान करना बंद करेगी। नहीं मैंने सर का प्रॉमिस भी पूरा किया, पूछा आपने, सर ने मेरे से प्रॉमिस लिया था, वो बोलता अभी प्रॉमिस कर तू वापस से वो नहीं खाएगी, मैं आज नहीं खाऊंगी। क्या नहीं खाएगी? हाँ हाँ सारी वो जो जंक फूड तू खाती रहती है, बकवास चीजें। हाँ लेकिन तू मुझे बता कि अस्पताल में जहाँ पर लोगों को खाना बिल्कुल गले के नीचे नहीं जाता, तूने इतना क्या खाया अस्पताल में यार? ये मामा ये सूप बेचती थी वो। अच्छा वहाँ का बाहर का घर का खाना, मतलब उधर का नहीं खाया हमने, सब घर का। उन्होंने मतलब बोला था कि आपका एक रिलेटिव आपको आपके साथ रह सकता है। अच्छा अच्छा, कुछ भी जरूरत होगी तो नहीं क्या देने के लिए, बाहर से भी दवाई लानी पड़ती थी ना। लेकिन भाग्यश्री तू जो मुझे बयां कर रही है ना, ये सारा किस्सा अस्पताल का तू जो बोल रही है, लेकिन जो हम न्यूज में पढ़ रहे हैं वो तो बहुत अलग है यार। तो तूने अस्पताल में ऐसा कुछ खराब नहीं देखा ना? देखा ना, जो अंकल मेरे साथ में थे ना बेड पे, एक साथ थे हम लोग, चार दिन अंकल अच्छे थे, पांचवी दिन वो इतना पागलपन करे ऑक्सीजन ही नहीं रखते थे। पता नहीं चार दिन इतना अच्छे से मेरे मतलब हम साथ, वो खाना खाते थे बातचीत करते थे इतने अच्छे से। हाँ। वो भी मेरे से बात करते थे, उनको मैं बोलती थी अंकल आप ठीक हो जाओगे कोई टेंशन, वो बोलता मैंने टेंशन लेता मैं ठीक हूँ, हाँ इतना हस्किल के बात कर। फिर पांचवे दिन देखा तो वो एकदम मतलब पागल, ऑक्सीजन नहीं रख रहे थे, सुन रहे नहीं थे, निकाल निकाल के फेंक रहे थे। उन्होंने रात भर इतना उन्होंने मतलब तंग किया उनकी बेटी की, तो उनकी उतनी जान थी उसके ऊपर, उसके बाप के ऊपर, इतना उसने कोशिश की फिर भी वो नहीं बचे। अरे उस
टाइम पे मैंने इतनी हिम्मत पकड़ी, मैं बोली अगर मैं अब डर गई ना तो फिर मेरी भी गारंटी नहीं होगी, क्योंकि मेरे साथ में ही थी इतने, हम लोग बातचीत कर रहे थे सब। तुझे देखकर और तेरे जुबान से और जो तू बातें कर रही है उससे मालूम नहीं पड़ रहा है कि तू किस दौर से गुजरी है। मतलब कोविड होना और तेरा जो हमने वो एक्सरे वो जो देखा था वो हम लोग इतना डर गए थे। सांस लेने मेरे को सांस लेने में प्रॉब्लम था, ये जो छाती पूरी भर गई थी मेरी, ऐसा आवाज आती, आवाज नहीं आती क्या, कफ हो जाता है पूरी तरह से, वो कफ हो गया था और अंदर से ना तकलीफ हो रही थी, मतलब ऐसे लग रहा कि अंदर से मुझे कुछ मतलब लग गया है नहीं क्या सब कुछ, तो उसकी वजह से मतलब ऐसे जल जल होता था, खाना कुछ खाती थी तो उससे भी प्रॉब्लम, खाना तो बिल्कुल नहीं जाता था। दिन के बाद मुझे फोन किया था मैंने, मेरे को मतलब दो चार दिन से मुझे बस खाने नहीं गए, थोड़ा सा बुखार आया था और अंदर से वो भी बाहर से नहीं, अंदर से लग रहा था बहुत गर्म है करके, आग से कैसे जल 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 हो रहा था मुझे, फिर बाद में मुझे नॉर्मल होगा ना कि इधर का उधर का मतलब पानी से उसको, क्योंकि 3 साल के बाद गाँव गई थी, 1 साल अपने घर में थी तो बाहर का मतलब कुछ टेंशन ही नहीं था मुझे कुछ होने का, या कुछ इतने साल के बाद वहां पे गए तो वातावरण में भी चेंज हो जाता है, हवा पानी में भी, तो मुझे उसके वजह से हुआ होगा, क्योंकि वहां पे जाने के बाद भी मैं भी फ्रिज का पानी पे ये पी, स्लाइस पी, दही वो इतना खा, अरे बाप रे बहुत ज्यादा पानी पड़ गया, मैं बोली सर मैडम मुझे बोलती थी तब याद आ रहा था, ठंडे पानी से डरती हूँ, हर जो चीजें कोविड की वजह से होती ना वो हर चीज से डरती हूँ, कुछ भी नहीं अभी नहीं, लेकिन कोविड तो इन्फेक्शन होता है, ये दही वही से थोड़ी ना होता है। अरे मुझे वो सर्दी भी हो गई थी ना, ठंडा गरम ठंडा गरम, उसके वजह से सर्दी भी थोड़ी सी। अब तुझे पता, मैं जब तू अहमदनगर जाने की बात कर रही थी मैं तुझे बोला था भाग्यश्री तो 1 साल से यहाँ पर है, लेकिन मैं बोलना नहीं चाहती थी कि मत जा, लेकिन वो बहुत डेंजर पीरियड था, लेकिन वही लगा था कि नहीं जाती ना वो अच्छा था, क्या करें। लेकिन तेरी मतलब कमाल है जिस तरह से तू अभी बात कर रही है, और तू फोन में बात करती थी मुझे लगता था इसको वाकई में कोविड शॉक होते थे कि वो आप लगते तुझे दूसरे ब्रदर होने लेके क्या वो देते इंजेक्शन वगैरह देने आते हैं सालन वगैरह कंपाउंडर, उनके साथ भी हाजी मजाक करती थी, दवाई में मैं अपने आप से ही लेती थी, उनको बस बोलती थी ये लेने की, हाँ बोलते वो लेने की, सालन खत्म होते जोर से चिल्लाती मेरा सालन खत्म हो गया। हे भाग्यश्री तूने अस्पताल में भी गदर मचा दिया। पहली बार मैं बोलती ऑक्सीजन मैंने बोले इतने कि मैंने पिक्चरों में देखा था, इसे लगा था इससे क्या होता है, जब रियल में खुदने लगा तब पता चलता है इससे ये होता है, सांस लेने में अच्छा लगता है। उसमें वो थैली लगाई थी ऑक्सीजन को बोले क्या, हाँ। वो लगाते ना उससे भी वो फूलती है कम होती है उससे, हाँ। भी वो भी इतनी मेरे जैसी फूलती थी वो थैली में, तेरे जैसे फूलती थी उसका, वो हवा चली जाती थी तो मैं वापस उनको बोलती हूँ सर मेरी थैली कम हो गई, वो वापस से आके वो इसका ना ऑक्सीजन को रहते ना वो बढ़ाते थे, वो थैली फिर फूल जाती थी। हॉस्पिटल में भी मैंने बहुत मजा किया, वहाँ पे भी मैंने इतना मतलब सीरियस रही नहीं, खाना पीना सब मुझे देख के भी खाना खाते थे मालूम है, हाँ बोलते सब वो उधर के वो लोग बोलते इनका देखो 14 का स्कोर है इनका, फिर भी देखो एक कैसे है आपका तो भी कम है, बोलते इतना कुछ सीरियस नहीं है उनका, तो भी सीरियस वो लगते है सीरियस। 7 दिन में क्लियर हो गए, मैं 7 दिन में 14 का स्कोर मैंने 7 दिन में 2 पे लाया 14 का स्कोर 7 दिन में 2 पे लाया मैंने, तो डॉक्टर बोले अभी इनको रखने की जरूरत ही नहीं है, ये नॉर्मल हो गए, इनको 10 दिन घर पे रखो साइड में, फिर 10 दिन के बाद आ जाओ, कोई टेंशन नहीं है, कुछ दवाई वही दे दो, तो यहाँ पे खाते पीते थे वही खिलाओ। पर तू थोड़ी पतली होकर आई है, थोड़ी सी पतली हो गई अभी यहाँ पे, गारंटी नहीं फिर फैल जाऊंगी, नहीं अभी मैं अब मैं तुझे फैलने नहीं दूंगी, हाँ तू ऐसे ही फिट रहे, राउंड मारना है सुबह उठ के योगा सर करना, मैं तेरा खाना मैं तेरा राशन आधा करने वाली हूँ। नहीं अभी वो मैं खुद ही करूंगा, यहाँ पे आने के बाद अभी मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा है मालूम है आपको, 2 दिन से उधर मेरे को सांस थोड़ी सी लेने में प्रॉब्लम होगी, पता नहीं वो डॉक्टर बोले होता है 1 महीना वो रहता है प्रॉब्लम, तो तू आराम से थोड़ा काम कम करना और आराम आराम से फिर उसके बाद आप थोड़ा ये करेंगे ना तो हो जाएगा, फिर रोज भाप लेना,
हाँ वो स्टीमर में दूंगी तेरे को, है ऊपर है, हाँ छह सात स्टीमर देकर गए तेरे को। मैंने मेरा अलग से रख, ये मेरा है, मैं बोलती आधे टाइम लेके आई होती तो अच्छा था उधर, हाँ खरीदना नहीं पड़ता। वहाँ पे अपने पुराने नुस्खे नहीं कर लो, पतीला भर के डालो मिक्स। तेरा फायदा हुआ ना, अब तूने एक सबक सीख लिया, अच्छा खा, और ये जो तू इधर उधर घूमती है बिना मास्क के ये मत कर, अरे नहीं यहाँ तो अलाउड ही नहीं है बाहर जाना करके, और तुझे जो डाइट तुझे कंट्रोल करनी चाहिए ना, कि उल्टा सीधा नहीं खाना चाहिए, ये तूने सबक सीख ले प्लीज। अभी बहुत कुछ सीख गई हूं, अभी और अच्छी चीजें सीख ली, बुरी चीजें छोड़ दी है, अभी अच्छी चीजें पीछे भाग रही हूं, अभी बुरी मतलब मेरी बहुत मतलब ज्यादा ही मतलब मेरे को समझ आ गई कोरोना की वजह से। हाँ बट भाग्यश्री, हाँ लेकिन ये मैंने ये चीज को सीरियसली लिया ही नहीं था कोरोना का। मैं आपको आज सच बात बोलूँ कि मैंने कोरोना का कभी मैंने सीरियसली लिया, वो जब से स्टार्ट हुआ ये होगा मैंने कभी सीरियसली नहीं लिया था, क्योंकि घर में कुछ पता ही नहीं चलता था, यहाँ पे खुले आप मिला इसके मैं घूमती फिरती थी, हंसी मजाक, बाहर क्या चल रहा है क्या हो रहा है कुछ पता नहीं, आपके घर में माहौल ही ऐसा था मतलब कुछ बाहर इतना चल रहा है करके, अपने घर में इतना खुशी का माहौल, हंस खेल के रहना, मस्ती करना, वो तो बाहर का पता ही नहीं था, मैं बाहर जाती भी नहीं थी, तो मुझे लगता था कुछ नहीं नॉर्मल होगा, जब खुद पे बीती तो पता चला कि हाँ ये है, इन लोग को भी ये कदों को भी मैंने बोला हाँ ये करके, इसको मजाक में मत लो करके, कि हाँ ये करके मेरे को बहुत मतलब बहुत बुरा लगता है, नहीं आई होती मैं वहाँ पे, मुझे मेरे सर मैडम भी पछता रहे मुझे यहाँ पे भेज के क्यों, हम तो इतना डर गए थे, लेकिन अब तू सर को टॉर्चर करना बंद कर, सर के ऊपर जो तू कमेंट मारती है, नहीं मैं अभी सर से बहुत प्यार करती अब आप बहुत प्यार करती है, पहले नहीं करती थी वो तो पता है, पहले भी करती थी पर पहले कैसे ना थोड़ी सी दौड़ धूप चलती थी ना, अभी नहीं होगी वो। अच्छा अभी अभी मैडम सेकंड और सर फर्स्ट, अरे आप दोनों से भी प्यार करती हूं। तू बहुत चालू है भाग्यश्री। जिस रिश्ते में थोड़ा खट्टा मीठा ना हो तो वो भी मजा नहीं आता है ना, वो देखा उसके रिश्ता बरकरार रहता है, ज्यादा प्यार होने से भी शुगर होने का प्रॉब्लम ओके अभी थैंक यू ओके बाय भाग्यश्री। मेरे दोनों भैया को भी मिल रहे हैं, हाँ अच्छा माय गॉड, इसने तो अस्पताल का जो किस्सा है उसको ही कॉमेडी बना दिया।